गुड मॉर्निंग एवरीवन। कच्छ भुज में आने वाला स्मृति वन देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ का म्यूज़ियम आपको मालूम है कि ऐतिहासिक और हमारे जो जो भी ये भूकंप हुआ या गुजरात में जो होने वाली घटना है सब दर्शा रहा है। म्यूज़ियम बहुत ही अमेजिंग है। इसका पर पर्सन जो एंट्री चार्ज है पर पर्सन का वो 300 रुपये और गेट से एंटर होने का अलग से जो कार में आप जा रहे हो पर पर्सन 20 रुपीज़ और अंदर म्यूज़ियम देखने का मैंने बताया जैसे 300 रुपये चार्ज है। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बहुत समझने वाली बातें हैं। मैंने बिल्कुल आपके लिए इसको अच्छे से रिकॉर्ड किया है तो आप देखिए स्मृति वन। तो चले अब देखने जा रहे हैं। आप देखने वाले हो क्या देखने आई? भूकंप। सबको दिखाइए भूकंप। और यहाँ पर हम नाश्ता भी कर लेंगे। नाश्ता सब कर। हम जा रहे हैं स्मृति वन की ओर। बाइक टू लिफ्ट, लिफ्ट से जाएंगे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं भूकंप देखने। काफी अच्छी जगह लग रही है मुझे तो ये। I'm so excited. यहाँ से टिकट लेंगे फिर अंदर जाएंगे। एंट्री गेट यहाँ। चेकिंग हो रही है अच्छे से। मेरे पास तो कुछ था नहीं तो चेकिंग कुछ भी नहीं। शिवानी का पर्स चेक हो रहा है। वेदांति कैसा लग रहा है? अरे वाह, रिसेप्शन में ये लोग जा रहे हैं रोहित टिकट लेने के लिए। ओ बाप रे, ये कहाँ बैठ गई है? गाइस, ये स्मृति वन जो है सच्ची में बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे तो। I love it. एरिया बहुत अच्छा है। अरे बाग बांग में मोती पिरो तो ये मरण के कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? स्मृति वन की टिकट लेने के बाद 1 घंटे का वेटिंग था। वहाँ चिल्ड्रन प्ले एरिया बना हुआ है जहाँ बच्चे के लिए बहुत सारी गेम्स है और कुछ टेडी बियर वगैरह रखा हुआ है। बच्चे को काफ़ी मना मौज हो जाए ऐसा एरिया बना हुआ है। इसकी भी टिकट है
₹50 टिकट आपको लेनी है और 15 मिनट का टाइम रहता है यहाँ खेलने का। तो वेदांति यहाँ 15 मिनट अच्छे से एंजॉय कर रही थी, आप देख सकते हो। तो ये जो एरिया है 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं रहने देते, तो सारी गेम आपको 15 मिनट में ही जो खेलना है वो खेल सकते हो। तो अच्छे से यह वेदांति इसके मज़े ले रही थी। फाइनली हम भूकंप जाने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। आपका टिकट ले गए। एक घंटे का वेटिंग था, है ना? एक घंटे हमने वेट किया था तब जाकर हमारा नंबर आया है। अब हम भूकंप देखेंगे। ऐसे तो हमारी ये वेदांति है ना, ये भी कोई भूकंप से कम नहीं है। जहाँ भी जाती है जल हिला देती है। ये पता है क्या हुआ है गाइस, ये दोनों है ना खाना खाकर आए और हम लोग यहाँ बैठे हैं और अभी पूछ रहे हैं भूख लगी है, भूख लगी है सच्ची भूख लगी बहुत। और एक सीक्रेट बताओ, यहाँ जो बाहर 20 रुपया की आइसक्रीम मिल रही है ना वो 95 रुपीज़ की, बहुत महंगा है सच्ची, है ना वेदांत? बच्चे सभी नीचे बैठेंगे, जो भी एज में बड़े हैं उन्हें पहले बैठेंगे। जो भी एज में बड़े हैं उन्हें पहले बैठने देंगे, बार बार इन्फॉर्मेशन ना देनी पड़े सभी को। जो भी एज में छोटे हैं वो आगे नीचे बैठे या पीछे खड़े होकर देख सकते हैं। अपनाता है कि वो नित नया रूप ले सके।
संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। शिव हवा की मूवमेंट को दिखाते हैं। जब हवा ज्यादा चल रही होती है तब ये सिर्फ मूवमेंट करते हैं। अभी हवा नहीं चल रही इसलिए मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। देखने के बाद आगे आएंगे। मैम गाइडिंग फॉर यहाँ हम देखेंगे प्लेट निर्माण विज्ञान। पृथ्वी का जो उपला पल पड़ होता है वो कैसे सरकता है और साथ में ये आप दिख रहे हैं ना, पृथ्वी का जो ऊपर का जो पड़ होता है उसका सरकना, ये सब क्रिया हम यहाँ देखेंगे। और साथ में पुरातन अवशेष जो यहाँ रखे हुए हैं वो सारी यहाँ हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत सारी यहाँ पुरातन अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। परिवर्तन में स्थिरम अस्ति, परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। साढ़े 4 अरब साल पहले यह धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर बनने लगी। मेंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फीयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराई, जिससे पेंशिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंशिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर
उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय है। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। यहाँ दिखाए हैं अपने को, चेक करना है कि आदि मानव कैसे थे, हम कैसे थे पहले। ये अच्छे से यहाँ प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया गया है। डिस्प्ले पे नाम भी दिख रहा है और पिक्चर भी आप देख सकते हो। ये गुजरात का मैप रखा हुआ है कि कौन सी जगह पर क्या है। यहाँ हम देखेंगे कि उस टाइम पे कृषि और पशुपालन कैसा था, उसके कुछ मॉडल यहाँ रखे हुए हैं कि इस हिसाब से पशुपालन के लिए कौन सी क्या चीज़ थी जो आप बॉक्स में देखते जा रहे हो। ये सारे छोटे छोटे मॉडल यहाँ अच्छे से रखे हैं कि आधुनिक मकान प्रणाली, जो हमारे आधुनिक मकान प्रणाली क्या है और पहले की जो क्या थी, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता था, ये सब हम अभी देख रहे हैं। बहुत सारे यहाँ मॉडल रखे हुए हैं कि पहले के लोग कौन से माना स्टोन यूज़ करते थे, कैसे कैसे स्टोन थे, ये सारे माना अभी और पहले की दोनों चीज़ यहाँ रखी हुई है। भूमि और जड़ परिवर्तन का भी ये जो मॉडल है ये देखने को हमें मिल रहा है। तो बहुत सारे मॉडल थे, कुछ कैप्चर करना रह गए हैं। व्यापार माटे जो भी वजन है, व्यापार के लिए क्या क्या किया जा रहा था, व्यापार के लिए ये कौन सी मुद्राएं यूज़ होती थी, ये सिक्के हैं, मुद्राएं जो चलन होता है ना पहले का, वो यहाँ दिखाया गया है। और ये है हमारा रोड मैप, मना सारे यहाँ कौन सी जगह पर क्या है, ये सारा अच्छे से दिखाया गया हुआ है। ये मॉडल बने हुए हैं जो हमारे गुजरात में आए हुए हैं, जो धोलका है, और वहाँ कौन सी जगह पर क्या है ये सारा दिखाया गया है अच्छे से। ये सारा तो मैं शूट नहीं कर पाई, ये 7 मिनट का प्रोग्राम है। अगर और सारा शूट करती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने ये सारा शूट नहीं किया। तो
अच्छा मना उसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी कि गुजरात में कौन सी जगह पर क्या है देखने जैसा, पुरातन अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं, लोथल है, धौलका है, उसके आसपास में क्या है, ये दो मैं एग्ज़ाम्पल के रूप ये मॉडल ऐसे दिए थे कि जिस नगर की रचना थी कैसी थी क्या है, ये सारे छोटे छोटे मॉडल अच्छे से कैप्चर कर उन्होंने रखे है और इसके जो डायोग्राम है काफ़ी अट्रैक्टिव थे, अमेजिंग थे सच्ची में। नीचे कितना किलोमीटर गया? 8 किलोमीटर गया था। एकदम तो बदू हुआ था। और यहाँ देखो एनर्जी, डाउन एनर्जी। देखो। भूख लगी है? पापा, भूख लगी जा? 15 मिनट का और वेटिंग है। हाल देखो बेहाल। बीच पे जाना है? बीच पे अभी? अरे बीच के कपड़े, बीच के कपड़े पहन के आई और बोल रहे हैं। आपको जाना है बीच पे? आज ही जाना है, कुछ भी हो जाए, भूख और टाइम लगेगा तो भी चलेगा क्या? यहाँ एंट्री के लिए और बहुत सारे सेक्शन हैं, सेक्शन बाय सेक्शन टिकट चेक इन हो रही है। चेक होने के बाद अंदर एंट्री मिलेगी, तो लाइन में सब लगे हुए हैं। ये कलाकारी मुझे बहुत सी सुंदर लगी। आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर में जो भी है, जो भी हिस्सा है गुजरात का मैप है, वो बाहर आता था कि जिस हिस्से की स्टोरी बताई जाती थी उस हिस्से का मैप है, मना वो स्क्वायर है वो बाहर आता था। ये काफ़ी सारी जगह की इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई थी। मे बी 8 मिनट का ये पूरा वीडियो क्लिप था, अच्छा था। आपको पहले बताया जैसे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने इसको सारा शूट नहीं किया, लेकिन वहाँ गुजरात के हर गांव की इंफॉर्मेशन, माना जो भी देखने जैसी है, जो समझने जैसी है, इतिहास है हमारा, वो यहाँ अच्छे से दिखाया है। यहाँ हमें नीचे जो पत्थर है दिखाया गया है कि कौन से स्टोन की कितनी एज होती है, अच्छे से मॉडल के साथ हमें ये दिखाया गया है कि कौन सा स्टोन है और उसकी एज क्या है। उसके ऊपर पानी मना बरस रहा है, फिर भी वो कितनी साल तक ये रहेगा ये दिखाया गया है। यहाँ जो है, जो हमारे जल में होने वाली क्रियाएं अच्छे से दिखाई गई है कि भूकंप क्या है, जल में होने वाले जो वलन होते हैं, चक्रवात मॉडल, ये सब दिखाए हुए हैं यहाँ। यहाँ गुजरात में होने वाली कुछ घटित घटनाएं दिखाई गई है। अल्लाहबंद में जो हमारे कच्छ में, कच्छ का रहन सहन, उसकी चीज़ें, ये सब यहाँ दिखाया गया है। आप देख सकते हो ये कच्छ का मॉडल है जो सामने रखा हुआ है। हम सभी को मालूम है कि गुजरात में 92nd का अर्थक्वेक, मना भूकंप हुआ, उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे, कौन कौन सी हाल में थे, उसके कुछ मॉडल यहाँ रखे हुए हैं कि जब भूकंप हुआ तब कोई चाय बना रहा था, तब पतीला गिर गया, कोई पानी पी रहा था तो उसके हाथ से ग्लास छूट गया, ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ नीचे मॉडल रखे हुए हैं उस टाइम के। तो ये भी बहुत सारी मॉडल यहाँ रखे थे, लेकिन कुछ वीडियो मैंने शूट किए हैं। कोई अरिसा में देख रहा था तब अरिसा टूट गया, तो लोग अलग अलग हाल में थे और अलग अलग हाल में होकर जो प्रवृत्ति कर रहे थे, कोई
चाय बना रहा था तो उसके ऊपर चाय गर्म गर्म चाय गिर गई, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिली। तो इसका जो मॉडल है सच्ची में बहुत अच्छा बना है। देख रहे हैं सकते हो मकान काफ़ी टूट गए, ये जो दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग हैं बिल्डिंग या मकान टूटने पर वही जो स्ट्रक्चर उनके ऊपर गिरा उनके अंदर ही डटकर मर गए थे। कुछ लोग बेहाल हुए, कुछ घायल हुए और कुछ वहीं के वहीं मर गए। यहाँ दिखाया था कि कच्छ भुज अहमदाबाद से लेकर रिलेटेड कितनी जगह पर कितने टाइम का भूकंप हुआ, ये सारे जो प्लान है मटके के बने हुए हैं। ऊपर में जो छत दिखाई गई है अमेजिंग व्यू रचना थी इसकी, देखने जैसा है। एक बार आप सभी को भी यहाँ विज़िट करना ही चाहिए, बहुत अच्छा मॉडल बना है जो हमारे गुजरात में जो भूकंप हुआ था इसका, और कहाँ कौन सी जगह पर कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मरे और क्या क्या वहाँ घटित हुआ, वो सारी लिखावट मॉडल के साथ यहाँ दिखाई गई। वेदांती जब भूकंप होता है ना तब ऐसे हिलेंगे, जैसे तुम घर हिला देती हो ना पूरा। जब भूकंप हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग घायल हुए, निकलने की घायल होने के बाद वो एरिया से निकलने के लिए बहुत सारे कॉल आने लगे मदद के लिए। एक साथ इतने सारे कॉल आने लगे कि किसको मदद पहुंचाए, कैसे मदद पहुंचाए और किस तरह से इन लोगों ने मदद की उसका भी अच्छे से मॉडल दिखाया है, एक वीडियो क्लिप भी बताई है जो मैं शूट नहीं कर पाई। दीवार में कुछ मकान सही सलामत बताए गए, कुछ टूटे हुए मकान नहीं बताए गए हैं, ये देखने में आ गया है। यहाँ जो भूकंप में इजाग्रस्त हुए थे उन सारे लोगों की जो स्टोरी है वो हेडफोन से आप सुन सकते हो, जिसके लिए हेडफोन यहाँ रखे हुए हैं जो वन बाय वन सभी सुनेंगे। ये लोग जो इजाग्रस्त लोग हैं उनकी जो स्टोरी है वही सुन रहे हैं। जिन्होंने देख लिया है वो चार नंबर की ओर बढ़ेंगे, सामने हमारा चार नंबर का लोग है।
जिन्होंने देख लिया है वो चार नंबर की ओर बढ़ेंगे। ખરું ને આ એક નમૂનો છે જે કપડાં સીવતા હતા એનું, અને આ ઉપર એ છે. આ જે ખાનો ખોલીએ એ ખાનાની અંદર આ કામ કરનારની સ્ટોરી મૂકેલી હોય, એ સ્ટોરી તમને જોવા મળે એમ છે બધા. ખાલી છે, ખાલી છે. अर्थक्रैक वाली जगह थी जो म्यूज़ियम में सबसे अमेजिंग पार्ट था, जहाँ होने वाला अर्थक्रैक कुछ साउंड म्यूज़िक चल रहा था, सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे आप देख सकते हो. और यहाँ जो सीनरी हुई गुजरात में जो भूकंप हुआ, भूकंप के टाइम में हमारा जो भी बिल्डिंग गिरी
या जो नुकसान हुआ किस तरह से हुआ, अमेजिंग लग रहा था जैसे बिल्डिंग सारी हमारे ऊपर ही गिर रही है, हम बिल्डिंग के नीचे डट रहे हैं। ये पार्ट माना लास्ट में दिखाते हैं सारे म्यूजियम में, और ये माना इतना अच्छा एनिमेशन है सच्ची में, अमेजिंग एनिमेशन है। और मैं बोलूँगी कि जो भी 300 रुपये की टिकट है ना पर पर्सन फूल है पूरा यहाँ। हाँ, लेकिन आप जब भी जा रहे हो तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ कैरी करके जाना, क्योंकि यहाँ की जो रेट है माना जो बाहर 10-20 रुपये की जो आइसक्रीम मिल रही है वहाँ 100 रुपये 19 रुपीज़, उससे कम में कुछ भी नहीं मिल रहा। आप एक चाय पियेंगे ना तो चाय भी 40 या 50 रुपये की एक चाय का कप मिलता है, तो ये बहुत कॉस्टली है। खाने पीने की सारी चीज़ें वहाँ कॉस्टली है, तो जाओ तो कैरी करके जाना। बाकी ये अर्थक्वेक वाला पार्ट बहुत ही अच्छा था।
तीन एरो इस तरफ है, तीन एरो इस तरफ और एक सामने की तरफ है। सभी लोग गन बटन श्रद्धांजलि देंगे। जैसे इस प्रकार से नाम आ जाए, नाम पढ़ने के बाद फिर से हम डोर से एग्जिट करना है। हाँ जी, एक एरो के सामने एक एक जन खड़े रहिएगा। ये लास्ट का सेक्शन था सब ख़त्म होने के बाद। यहाँ जो भी वीर जवान थे उनका नाम लिखा हुआ था और उसके सामने खड़े होकर दो हाथ जोड़कर इनको श्रद्धांजलि देना था। ये श्रद्धांजलि वाले मतलब जो भी स्टार दिख रहे हैं वहाँ का जो एरिया है, यहाँ के वाइब्स हैं बहुत ही पावरफुल थे सच्ची में। और जैसे कि एक अच्छी कनेक्टिविटी मना जो पावर होती है ना, सप्लाई होता है, ये सिस्टम यहाँ फील हो रही थी। बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन थी और यहाँ हम सब ने भी खड़े होकर श्रद्धांजलि दी। तो पूरा म्यूजियम हमने अच्छे से देखा और लास्ट में ये श्रद्धांजलि, अंदर से शांति और सुकून फील हो रहा था। और ये लास्ट पार्ट था हमारा। तो फिर हम यहाँ से श्रद्धांजलि देने के बाद फिर अपनी जर्नी पर आगे बढ़ चुके थे। तो आगे हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो ये जो नाम है इनको मैंने भी यहाँ खड़े होकर श्रद्धांजलि दी थी।